मित्रों नमस्कार, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सीपी मिश्रा। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स जून महीने का, यानी जून 2019 की जो महीने की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं हम इस में शामिल किए हैं। इस महीने में यानी कि जून 2019 में राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक घटनाओं को और नवीनतम सामान्य ज्ञान उसी तरीके से जिस तरीके से आप प्रॉपरली पढ़े चले आ रहे हैं टॉपिक वाइज घटनाओं को रखते हुए, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। टॉपिक वाइज रहेगा तो आपको आसानी होगी पढ़ने में भी और याद रखने में भी। ज्यादा से ज्यादा एक दो बार भी आप ध्यान से पढ़ लिए तो शायद ही शायद कोई क्वेश्चन गलत होने पाए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं जून 2019 का हम करंट अफेयर्स। जून 2019 में पहला जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम का। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि यह जो हमारा टॉपिक है यह राष्ट्रीय घटनाक्रम का, इसमें राष्ट्रीय स्तर की जो जून महीने की घटनाएं घटित हुई हैं वो इस पॉइंट में होंगी। और राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो हमारा पहला पॉइंट है वो है केंद्र सरकार की मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन। आपने देखा था कि 30 मई को एनडीए की दूसरी जो सरकार थी वो बनकर तैयार हो गई और हर काम सरकार की जो काम होते हैं वो समितियों के माध्यम से किए जाते हैं। इस तरीके से कुल 8 समितियां बनाई गई हैं और इन 8 समितियों का निर्माण हो चुका है। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है केंद्र सरकार की मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण के बाद 6 जून 2019 को मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन किया है। 8 मंत्रिमंडलीय समितियों में कितनी मंत्रिमंडलीय समितियां गठित गई हैं? 8। इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। 8 मंत्रिमंडलीय समितियों में अमित शाह सभी समितियों में शामिल किए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है कि जो मंत्रिमंडलीय समितियां गठित की गई हैं 8, उसमें से कौन सा व्यक्ति सभी समितियों में सम्मिलित है? तो ये अमित शाह हैं जो सभी समितियों में सम्मिलित किए गए हैं। 8 समितियों में अमित शाह का नाम है, सभी समितियों में शामिल किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री 6 समितियों के सदस्य हैं। ये समितियों से कोई क्वेश्चन यदि पूछता है तो आप आसानी से कर ले जाएं। अगला जो पॉइंट है वो एक बहुत दुर्घटनापूर्ण एक दुर्घटना हो गई थी उसको लेकर है। दूसरा पॉइंट है हमारा अरुणाचल प्रदेश में AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त। आपने सुना भी होगा, ये खबर काफी चर्चा में थी क्योंकि काफी दिनों तक ये हमारा विमान मिल नहीं पा रहा था, इसलिए एक महत्वपूर्ण घटना हो गई थी। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान, कौन सा विमान? विमान का नाम याद रखना होगा, AN-32 विमान अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा के निकट 3 जून 2019 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चूंकि मामला अभी हाल ही का है इसलिए हमको डेट भी ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी डेट पूछ लेता है AN-32 विमान किस दिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो ये डेट हमको याद रखना होगा, 3 जून 2019। चालक दल के सदस्यों सहित वायुसेना के 13 विभिन्न अधिकारी इस विमान पर सवार थे। सभी अधिकारी इस दुर्घटना में मारे गए। दुर्घटना के 17 दिन बाद विमान को खोजा जा चुका, यानी 3 जून को दुर्घटना हो गई थी, उसके 17 दिन बाद यानी 20 जून को वह विमान खोजा जा चुका था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट इसे बनते हैं तो आप कर ले जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वह है 5 वर्षों में देश में वन्य क्षेत्र में 1% की वृद्धि। 5 जून 2019 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में जानकारी देते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ऐसा भी पूछ सकता है कि ये मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं, तो इसे इसको भी ध्यान में रखना होगा कि पर्यावरण और वन मंत्री कौन है, तो इस पॉइंट ध्यान में रखिएगा कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं, ने कहा कि जन भागीदारी से पिछले 5 वर्षों में हमारे वन क्षेत्र में 1% की वृद्धि हुई है। यानी कि वन जनगणना जो हमारी वन गणना की गई थी 2017 में, उसमें यह देखा गया था कि हमारा जो वन क्षेत्र है वह 21.54% है, यानी उसमें 1% की वृद्धि का मतलब हुआ कि अब यह 22.54% हो चुका है। अगला जो पॉइंट है वो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। केंद्रीय उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि 30 जून 2020 से, इस डेट को याद रखना होगा,
30 जून 2020 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत लाभार्थी देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसी भी दुकान से अनाज प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें ये क्या कहना चाह रहा है, ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जब हमारी लागू हो जाएगी तो कोई भी जो है लाभार्थी जो इस योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, यदि वह उत्तर प्रदेश का है, वर्तमान में महाराष्ट्र में रह रहा है, तो वहां भी उसके वह राशन कार्ड जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन खरीद सकेगा और उसकी जो राशन की सब्सिडी है वह उसके खाते में डाल दी जाएगी। चाहे वह यूपी का है, महाराष्ट्र में ले सकता है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश में ले सकता है, कहीं का भी, देश का कहीं का भी हो, वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जब लागू हो जाएगी तो कहीं भी वह अपने इस सब्सिडी का या इस लाभ को वह प्राप्त कर सकेगा। ये बहुत अच्छी पहल होगी। अगला जो पॉइंट है वह है अंतरिक्ष में भारत का अपना स्टेशन स्थापित करने की इसरो की योजना। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने 13 जून 2019 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि 2030 तक, इस पॉइंट को याद रखना है, 2030 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करने की इसरो की योजना है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लगभग 20 टन वजन का प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया जाएगा तथा एक ही समय में 2-3 सप्ताह तक अंतरिक्ष यात्री इस पर प्रवास कर सकेंगे। ये ऐसा मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि जो हमारा अंतरिक्ष स्टेशन होगा वो लगभग 20 टन वजन का होगा और यह अंतरिक्ष में यहां से धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है वह है भारत को नाटो सहयोगियों जैसा दर्जा अमेरिका प्रदान करेगा। तो सबसे पहले जो नए बच्चे जुड़े हैं, नाटो का मतलब तो समझ लें कि वो नाटो क्या है। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये संगठन बनाया गया था। इसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर से की सीमा से जुड़े हुए देशों का एक संगठन था और जिसमें आपस में रक्षा सहयोग या अन्य समझौते जो है संपन्न होते हैं। तो भारत को नाटो सहयोगियों जैसा दर्जा अमेरिका प्रदान करेगा, ये पॉइंट है। अमेरिकी सीनेट ने एक विधेयक जून 2019 में पारित किया है जिसके अधिनियमित होने से भारत को नाटो देशों जैसा दर्जा अमेरिका प्रदान करेगा। इसी तरह का दर्जा वह इजराइल को और दक्षिण कोरिया को प्रदान कर चुका है, यानी कि भारत तीसरा देश होगा जो इजराइल और दक्षिण कोरिया के बाद तीसरा ऐसा देश होगा जिसे नाटो का सदस्य न होते हुए भी नाटो सहयोगियों जैसा सहयोग या दर्जा उन्हें प्रदान किया जाएगा। इस विधेयक के बाद भारत के साथ मानवीय सहयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी। अगला जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है, ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत में ऐसी पहली घटना घटित हुई है। आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री, ये महत्वपूर्ण भी है और एक अलग तरीके की ये न्यूज है या खबर है। आंध्र प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री, क्वेश्चन इस तरीके से बना सकता है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री हैं। तो आंध्र प्रदेश में नए मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपनी सरकार में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। इनमें एक उप मुख्यमंत्री एससी से, एक एसटी से, एक ओबीसी से, एक अल्पसंख्यक से और एक कापू समुदाय से, वहां एक कापू समुदाय जनजातीय समुदाय है, कापू समुदाय से एक एक उप मुख्यमंत्रियों को 7 जून 2019 को शपथ दिलाई है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राज्य में एक साथ 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो एक महत्वपूर्ण खबर है ये। तो ये राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं थी जो जून महीने में घटित हुई थी, जिसको हमने महत्वपूर्ण समझा, इसको इस पॉइंट में रखा है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो जून महीने की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हैं उसको देखेंगे। तो कौन कौन सी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जून के महीने में महत्वपूर्ण थी उसको देखेंगे। श्रीलंका में सभी 9 मुस्लिम मंत्रियों व राज्यपालों का त्यागपत्र। श्रीलंका में अप्रैल 2019 में, इस घटना का हमने जिक्र भी किया था अप्रैल वाले महीने में, अप्रैल 2019 में ईस्टर के अवसर पर वहां हुए आतंकी हमलों में 3 मुस्लिम मंत्रियों को के आतंकी संगठन नेशनल तौहीद जमात, ये थोड़ा हमको ध्यान में रखना होगा
कि यह आतंकी संगठन कहां काम कर रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल तौहीद जमात नामक आतंकी संगठन किस देश में सक्रिय है। तो ये ध्यान में रखना होगा, नेशनल तौहीद जमात जो आतंकी संगठन है यह श्रीलंका में इस समय सक्रिय है। कि साठ गांठ का आरोप लगाते हुए उनके त्याग पत्र का दबाव बौद्ध समुदाय द्वारा बनाया गया था। मौजूदा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की सरकार में 9 मुस्लिम मंत्रियों तथा 2 राज्यों के मुस्लिम राज्यपालों ने इस साठ गांठ की वजह से इस्तीफा दे दिया। अगली जो खबर है वो भी महत्वपूर्ण है। दक्षिणी चीन सागर में चीनी सेना का युद्धाभ्यास। दक्षिणी चीन सागर, इसको मैं बता दूं, यह सामरिक दृश्य बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर पर अकेले चीन अपने प्रभुत्व का दावा करता है, लेकिन इस सीमा, इसकी सीमा से सटे देश जैसे फिलीपींस हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ये सारे देश भी इस पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। लेकिन चूंकि यह कार्बो जो है हाइड्रोकार्बन्स का इसमें विपुल भंडार है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ हाइड्रोकार्बन बड़ी मात्रा में विद्यमान है, इस वजह से चीन इस पर अपना कब्जा कायम किए हुए है। तो दूसरे देशों का जो है दबाव न पड़ने पाए उसके लिए वह बराबर वहां युद्धाभ्यास करता रहता है। चीनी सेना ने दक्षिणी चीन सागर में 2 दिवसीय युद्धाभ्यास 2 से 4 जून 2019 को संपन्न किया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य समूचे क्षेत्र तथा वहां स्थित द्वीपों पर चीनी प्रभुत्व के दावों की पुष्टि करना था। देखते हैं अगला जो पॉइंट है वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव एवं श्रीलंका की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 पड़ोसी देशों मालदीव और श्रीलंका की यात्रा 8 जून 2019 को की। ये ध्यान में रखना होगा, 8 जून 2019 को, या ऐसा पूछा जा सकता है कि बराबर पूछा जाता है इस तरीके से कि अभी हाल ही में या जून के प्रथम सप्ताह में, या डेट भी दे सकता है 8 जून को। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की या किन देशों की यात्रा संपन्न की? तो इस तरीके से 8 जून को 2 पड़ोसी देशों मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका की 8 जून 2019 को यात्रा की। प्रधानमंत्री पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण के पश्चात यह पहली विदेश यात्रा थी। इस कारण भी यह यात्रा महत्वपूर्ण थी कि दूसरे कार्यकाल की यह पहली विदेश यात्रा थी जो उन्होंने कहां संपन्न की, मालदीव। इस यात्रा के पहले चरण में मालदीव में 1 दिन ठहरने के पश्चात 9 जून को वापसी पर थोड़ी देर के लिए श्रीलंका में भी उनका कार्यक्रम था। मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद सालेह से द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात 180 करोड़ रुपए की लागत से भारत द्वारा मालदीव में स्थापित 2 परियोजनाओं, तटीय निगरानी रडार प्रणाली, ये और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति सलाह के साथ मिलकर किया। मालदीव ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भी ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, क्या कि मालदीव ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जून में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया, या रूल ऑफ निशान इजुद्दीन यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया? तो ये अपने तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं क्योंकि यह उत्तर मालदीव का है। अगला जो है ये शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर संगठनों से या जो शिखर सम्मेलन संपन्न होते हैं उनसे क्वेश्चन होते हैं। पॉइंट है शंघाई सहयोग संगठन, जिसे हम SCO कहते हैं, शंघाई सहयोग संगठन का बिश्केक में सम्मेलन संपन्न। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 19वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13-14 जून 2019 को
13-14 जून 2019 को संपन्न हुआ संघाई सहयोग संगठन का 19वां शिखर सम्मेलन। अब ये दो तरीके से पूछ सकता है। अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था, तो ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो गई होगा। या ऐसा पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO का कौन सा शिखर सम्मेलन संपन्न होगा। यदि नंबर पूछ सकता है तो यह उत्तर हमारा हो जाएगा 19वां। दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है। 19वां शिखर सम्मेलन 14 जून 2019 को संपन्न हुआ है, कहां? बिश्केक में। 8 सदस्यों वाले इस संगठन में चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, इसके 8 सदस्य देश हैं, इसको ध्यान में रखना है। चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद मुक्त समाज की स्थापना के लिए SCO के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के तहत सभी देशों से सहयोग की अपेक्षा की तथा हेल्दी कोऑपरेशन विजन का उल्लेख अपनी तरह से किया। ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया को SCO में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। यह ध्यान में रखना होगा कि SCO के कौन कौन से पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। या ऐसा कभी निगेटिव में पूछता है तो ऐसा पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश SCO के पर्यवेक्षक राष्ट्र में शामिल नहीं है। तो ये 4 देश हैं, ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया। इनमें से कोई एक हटाकर दूसरा रख करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा इसका सदस्य नहीं है। संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक 2020 में रूस में होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि SCO का 20वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न होगा। तो 20वां सम्मेलन 2020 में कहां संपन्न होगा? रूस में होगा। अगला जो पॉइंट है वो है शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी इटली को मिली। में 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था। 2018 में 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया गया था? दक्षिण कोरिया में किया गया था। आगामी यानी 24वां शीतकालीन जो सम्मेलन ओलंपिक होगा वह 2022 में चीन में होगा। यानी कि 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा वह चीन में 2022 में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जून में संपन्न अपनी बैठक में 25वें ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो कि 2026 में होगी वह किसे सौंपी है? इटली को सौंपी है। तो हमको आगामी दोनों शीतकालीन ओलंपिक की डेट याद रखनी होगी। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 में चीन में होंगे और 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 में इटली में होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम, सेंट विसेंट और वग्रेजाइंडस जनवरी 1 जनवरी 2020 से सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन सम्मिलित हैं, जबकि अस्थायी जो 10 देश होते हैं ये 2-2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। 5 सदस्य हर वर्ष जो है यह बदल जाते हैं। तो 2020 से एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम, सेंट विंसेंट जो है ये 5 नए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नियुक्त होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है तंजानिया के तिजानी मोहम्मद बांडे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के नए अध्यक्ष निर्वाचित। सितंबर के महीने में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक संपन्न होती है इस बार वह 74वां सत्र होगा। 74वां सत्र के लिए तंजानिया के तिजानी मोहम्मद बांडे को, किसको? तिजानी मोहम्मद बांडे को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में तंजानिया के अस्थाई प्रतिनिधि रहे तिजानी मोहम्मद बांडे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 4 जून 2019 को की गई है।
तो अक्सर पूछ लेता है कि 74वें सत्र के लिए या संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2019 के सम्मेलन के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो अध्यक्ष कौन होंगे, तिजानी मोहम्मद बांडे जो वहां के रहने वाले हैं तंजानिया के। अगला जो पॉइंट है वो है वैश्विक शांति सूचकांक के मामले में भारत का 141वां स्थान। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है कि वैश्विक शांति सूचकांक के मामले में भारत का 141वां स्थान, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक के जरिए विभिन्न देशों में शांति की स्थिति का आकलन करने वाले सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये यानी कौन सा संस्थान करता है शांति के सूचकांक का, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसका कार्यालय या मुख्यालय कहां है, सिडनी में। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की वर्ष 2019 की रिपोर्ट जून 2019 में जारी की गई। 163 देशों में, ध्यान रखना है, 163 देशों में शांति का आकलन किया गया है। 163 देशों में भारत को 141वां स्थान, यानी कि स्थिति खराब है भारत की, 163 देशों में 141वां स्थान भारत को प्रदान किया गया, जबकि आइसलैंड को पहला। ये ध्यान में रखना होगा कि शांति यानी सबसे ज्यादा जो शांत देश है या शांत देश है वो है आइसलैंड, दूसरा नंबर न्यूजीलैंड को और तीसरा स्थान पुर्तगाल को प्रदान किया गया है। अंतिम 163वां स्थान जो है वह अफगानिस्तान को प्रदान किया गया है। यानी भारत की स्थिति को हमको ध्यान में रखना होगा, भारत का कौन सा नंबर है 141वां, यानी शांति सूचकांक के मामले में भारत का कौन सा स्थान 141वां। पहला स्थान किसका है, आइसलैंड का, और सबसे अंतिम 163वां स्थान किसका है, अफगानिस्तान। अब यहां से तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का, एक तो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि शांति सूचकांक के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद होगा हमको 141वां। दूसरा, सबसे शांत देश 2019 का सबसे शांत देश कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन होगा, तब सबसे शांत देश क्या हो जाएगा, आइसलैंड। तीसरा, 2019 का सबसे अशांत देश कौन सा होगा, तो ये सबसे अशांत देश है ये अफगानिस्तान होगा। अगला जो पॉइंट है वो है G20 का 14वां शिखर सम्मेलन ओसाका में संपन्न। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 का अक्सर शिखर सम्मेलन पूछ लेता है, G20 का 14वां शिखर सम्मेलन है, नंबर भी पूछता है, इसलिए हमको ध्यान में रखना होगा। G20 का 14वां शिखर सम्मेलन जापान का एक शहर है ओसाका, ओसाका में संपन्न। विश्व की विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मंच, ये ध्यान में रखना है कि G20 क्या है, G20 विकसित देशों का और उन विकासशील देशों का जो काफी ग्रोथ, जिनकी ग्रोथ रेट ज्यादा है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मंच। G20 का 14वां शिखर सम्मेलन कौन सा, 14वां शिखर सम्मेलन जापान के ओसाका में 28-29 जून को संपन्न हुआ। 29 जून को सम्मेलन के समापन पर जारी ओसाका घोषणा पत्र, ओसाका घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों के अपराधियों व आर्थिक भगोड़ों को किसी अन्य देशों में पनाह नहीं देने तथा उनके चोरी के धन को जब्त करने के मामलों में भारत की मांग के प्रति समर्थन किया गया। इसके अतिरिक्त वैश्विक व्यापार के लिए उत्तम वातावरण बनाने तथा WTO में आवश्यक सुधार की आवश्यकता साझा घोषणा पत्र में बताई गई। डिजिटल इकोनॉमी के लिए लाए गए ओसाका ट्रैक पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि अन्य देशों में ओसाका ट्रैक, ध्यान रखना होगा, डिजिटल इकोनॉमी के लिए लाए गए ओसाका ट्रैक पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि अन्य देशों में अमेरिका, यूरोपीय संघ, नीदरलैंड, स्पेन, थाईलैंड और कुछ अन्य देश ने इस पर हस्ताक्षर किए। G20 का आगामी 15वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में सऊदी अरब में संपन्न होगा, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि G20 का आगामी शिखर सम्मेलन, यानी आगामी या ऐसा पूछ सकता है कि 15वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न होगा, तो ये कहां होगा, सऊदी अरब में होगा, तो ये सऊदी अरब के रियाद, जो उसकी राजधानी भी है, रियाद शहर में
G20 का आगामी शिखर सम्मेलन जो 15वां शिखर सम्मेलन होगा वह रियाद में होगा। अगला जो पॉइंट है वो है सीका का 5वां शिखर सम्मेलन दुशांबे में संपन्न। सीका का 5वां शिखर सम्मेलन दुशांबे जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरएक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, जिसे शॉर्ट में सीका कहा जाता है। सीका का 5वां शिखर सम्मेलन तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी हाल ही में सीका में संपन्न सीका 5वां शिखर सम्मेलन में भारतीय नेतृत्व किसने किया था, तो इस बार भारतीय नेतृत्व किसने किया है सीका सम्मेलन में, एस जयशंकर जो कि इस समय विदेश मंत्री भी हैं। 1992 में अस्तित्व में आए सीका, एशिया के कुल 27 देश इसके सदस्य हैं। यानी इस संगठन की स्थापना जो है 1992 में की गई थी और एशिया के कुल 27 देश इसके सदस्य हैं। ये सदस्य भी पूछता है कि सीका में कितने सदस्य हैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन कम पूछे जाने की संभावना होती है। तो कुल 27 देश हैं सीका के। और सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने वैश्विक जनसंख्या के संबंध में अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट 17 जून 2019 को जारी की, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2019 में विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब 71 करोड़ है। विश्व में की जो कुल जनसंख्या है वर्ष 2019 में वह है 7 अरब 71 करोड़, जो बढ़कर 2020 में 7 अरब 79 करोड़ हो जाएगी और यही 2030 में बढ़कर 8 अरब 55 करोड़ हो जाएगी। 2050 यह जनसंख्या 9 अरब 74 करोड़ हो जाएगी तथा 2100 में इसे 10 अरब हो जाने की संभावना है, 10 अरब हो जाने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार 143.4 करोड़ के साथ चीन सबसे बड़ा देश है, 136.6 करोड़ के साथ यानी भारत का जो पॉपुलेशन है अब इस समय 136 करोड़ हो चुका है, 136.6 करोड़ के साथ भारत का इसमें दूसरा स्थान और 32.9 करोड़ के साथ यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार 2027 में, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसा पूछा जाता है, रिपोर्ट के अनुसार 2027 में कितने 2027 में भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा करता है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस के अनुसार भारत की जनसंख्या किस वर्ष चीन से अधिक हो जाएगी, तो ये ध्यान में रखना है कब हो जाएगी, 2027 में। इस प्रॉस्पेक्टस के अनुसार 2027 में भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी तथा 2050 तक, यह भी महत्वपूर्ण है, 2050 तक नाइजीरिया जो कि अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, नाइजीरिया अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2019 के अनुसार 2050 में कौन सा देश तीसरे नंबर पर होगा, तो उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका का इस समय सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। तो ये जून के महीने की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं थी उसका जिक्र हुआ। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा जून स्तर में, जून के महीने में जो आर्थिक घटनाएं घटित हुई थी उनको लेकर। तो चलिए देखते हैं कि जून के महीने में कौन सी घटनाएं आर्थिक स्तर पर घटित हुई हैं। तो पहली जो हमारी घटना है वो है 2018-19 के जो कृषिगत आंकड़े हैं उनका जो तीसरा अग्रिम अनुमान है वो जारी कर दिया गया है। मैं जो बच्चे नए हैं जो पुराने हो तो जानते हैं कि हमारा जो कृषिगत आंकड़ा आता है वो 4 बार आता है, यानी 4 स्तर में आता है और चौथा जो स्तर हमारा आता है अग्रिम अनुमान वो हमारा फाइनल अनुमान होता है, उसी को हम फाइनल कर देते हैं। तो चौथा अनुमान के पहले ये हमारा भी तीसरा अग्रिम अनुमान ही है। तो तीसरे अग्रिम अनुमान में क्या हुआ है वो देखते हैं कि वर्ष 2018-19 के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा 3 जून 2019 को जारी किए गए, जिसमें कुल खाद्यान्न उत्पादन 283.37 मिलियन टन
यानी कि 2018-19 में जो हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन होगा वो 283.37 मिलियन टन रहेगा। हमने पिछले महीने का जब करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो उसमें हमने दिखाया था कि हमारा जो बागवानी उत्पादन है वो 314 मिलियन टन से अधिक है। यानी कल हमने बताया था, अक्सर पूछ लिया जाता है हमारा खाद्यान्न उत्पादन अधिक है या बागवानी उत्पादन अधिक है, तो खाद्यान्न उत्पादन हमारे बागवानी उत्पादन से कम है। खाद्यान्न उत्पादन हमारा 283 मिलियन टन ही था है और बागवानी उत्पादन हमारा 314 मिलियन टन के आसपास है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन जो 2018-19 में होगा वो 283.3 मिलियन टन होगा। लेकिन इसमें कुछ इस वर्ष कुछ रिकॉर्ड उत्पादन हुए हैं उस पर ध्यान होगा, इसलिए हमने उनके आगे रिकॉर्ड लिख भी दिया है कि चावल का जो उत्पादन होगा वो 115.63 मिलियन टन होगा, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। अभी तक को जो सबसे अधिक उत्पादन 2016-17 में हुआ था वह 112 मिलियन टन हुआ था चावल का, वह रिकॉर्ड जो है अब टूट गया है। 2018-19 में चावल का रिकॉर्ड उत्पादन होगा 115.63 मिलियन टन, यह रिकॉर्ड उत्पादन होगा। इसी तरीके से गेहूं में भी हमारा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर का होगा। इस वर्ष गेहूं का उत्पादन जो 101.2 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि अभी तक का जो सर्वाधिक रिकॉर्ड है गेहूं उत्पादन का वो था 98 मिलियन टन, यानी यह भी गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होगा 2018-19 में। दालों का उत्पादन थोड़ा इस बार कम हुआ है, दालों का जो उत्पादन हुआ है वह 23.22 मिलियन टन हुआ है। मोटे अनाजों में बता दूं कि ज्वार बाजरा और रागी इन तीन फसलों को रखा जाता है, मोटे अनाजों का उत्पादन 43.33 मिलियन टन होने का अनुमान है। ये कुछ महत्वपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े थे। वर्ष 2019 में लगातार तीसरी बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में तथा एमएसएफ में कटौती की गई है। इसको देखेंगे, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति में की घोषणा 6 जून 2019 को की गई है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैं बताते चलूं कि भारत का जो मौद्रिक नीति है वह हर दो महीने पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। दो महीने के अंतराल पर कुल 6 बार हमारी मौद्रिक नीति साल भर में जारी कर दी जाती है। तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है, यह क्वेश्चन भी बराबर आपसे पूछा जाता है। तो मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो नई दरें आई हैं हमारी मौद्रिक नीति में जून की, वो ये है, रेपो रेट को घटा करके, ये 6.2% था इसको घटा 6% था जिसको घटा करके 5.75% कर दिया गया है। जो नई रेपो रेट आई है वो रेपो रेट है हमारा 5.75%। रिवर्स रेपो रेट ये 5.50% है। बैंक दर 6% है। CRR कैश रिजर्व रेशियो ये 4% है और सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि SLR ये 18.75% है। MSF जो है यह 6% पर है। तो ये जो नई रिपो मौद्रिक नीति की जो रेपो रेट आई है, रेपो रेट पूछ लेता है अक्सर कि रेपो रेट जो है नई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितना है, तो रेपो रेट ध्यान में रखेगा 5.75% है, यह क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला जो पॉइंट है वो है नीति आयोग का पुनर्गठन। केंद्र सरकार ने के गठन के पश्चात नीति आयोग का पुनर्गठन सरकार ने 6 जून 2019 को किया गया है। आपको बता दें, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे मैं बता दूं कि जब एनडीए नई सरकार 2014 में आई थी तो उसने योजना आयोग को खत्म कर दिया था, उसकी जगह योजना आयोग की जगह नीति आयोग जो है जनवरी 2015 से उसने नीति आयोग जो है का गठन किया है। नीति आयोग का इसका नीति का जो फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ये एक आयोग बनाया गया है और इसका पुनर्गठन भी इस बार नई सरकार ने किया है 6 जून को। पुनर्गठन नीति आयोग की संरचना इस प्रकार है, देखेंगे कौन कौन से। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, तो कौन है प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार हैं। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष तो नहीं पूछता, लेकिन आपसे उपाध्यक्ष पूछ सकता है कि इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार हैं। पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है, तो पूर्णकालिक 3 सदस्य हैं इसमें,
बी के सारस्वत, रमेश चंद्र और डॉक्टर वी के पाल, ये तीन जो है पूर्णकालिक सदस्य हैं। पदेल सदस्यों में श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमन और श्री नरेंद्र तोमर। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री और श्री नरेंद्र तोमर जो कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं, ये चारों जो है पदेन सदस्य इस नई पुनर्गठन में सम्मिलित किए गए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में श्री नितिन गडकरी को रखा गया है और श्री थावरचंद गहलोत को रखा गया है जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, श्री पीयूष गोयल जो कि रेल मंत्री हैं, श्री राव इंद्रजीत जो कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्री हैं, इन्हें जो है विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है नीति आयोग का, जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत पहले भी थे इसलिए अमिताभ कांत को ही बरकरार रखा गया है, अमिताभ कांत को CEO बनाया गया है। तो दो चीजें इसमें अक्सर पूछ लेता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार, ये दोनों आपको ध्यान में रखना होगा। अगला जो पॉइंट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विश्व बैंक की रिपोर्ट। विश्व बैंक विभिन्न देशों में आर्थिक स्थिति का आकलन अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में करता है। बैंक की ताजा रिपोर्ट जून 2019 में जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक उत्पाद में 2.6% की ही वृद्धि रहेगी, यानी कुल वैश्विक जो हमारा GDP होगा वह GDP का 2.6% ही ग्रोथ रेट रहेगा पूरे विश्व का, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से वृद्धि करेगी। तो ये किसकी रिपोर्ट है, विश्व बैंक की, इसको ध्यान में रखेगा। विश्व बैंक ने वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था को की ग्रोथ रेट क्या बताई है 7.5% की वृद्धि दर प्राप्त करेगी जो विश्व में सर्वाधिक होगी। अगला जो पॉइंट है वो है ट्राइब्स इंडिया उत्पादों के गो ट्राइबल कैंपेन का शुभारंभ, ट्राइफेड का अमेजन से समझौता। जनजातीय उत्पादों के उपयोग को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए गो ट्राइबल कैंपेन का शुभारंभ केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने 29 जून 2019 को किया। ट्राइबल इंडिया उत्पादों का विपणन करने वाली कंपनी ट्राइफेड ने गो ट्राइबल कैंपेन, ये थोड़ा नाम ध्यान में रखिएगा, ट्राइफेड ने गो ट्राइबल कैंपेन के लिए अमेजन से, एक जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन, मैंने बताया भी था कि यह विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी हो गई है, जो पिछले महीने मैंने चर्चा भी किया था कि अमेजन जो है अब लोगों को चंद्रमा पर उतारने की भी योजना बना रहा है ताकि लोग व्यावसायिक रूप से चंद्रमा पर जाकर सैर कर सकें, तो 2024 तक इसकी योजना है। तो अमेजन के साथ यह ट्राइफेड ने एक गठबंधन किया है जिसके तहत ट्राइब्स इंडिया एवं अन्य जनजाति उत्पादों की बिक्री 190 से अधिक देशों में हो सकेगी, यानी जो ट्राइबल्स अपना उत्पाद बनाते हैं वह आप अमेजन पर भी खरीद सकते हैं। अब ये स्थिति आप समझिएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु यूके सिन्हा समिति की सिफारिशें, ये समिति का गठन किया गया था इसलिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या समिति के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की सुदृढ़ता तथा इस क्षेत्र की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित यूके सिन्हा समिति, ये पूछता है अक्सर कि किस समिति का गठन किसके लिए किया गया है, तो यूके सिन्हा समिति का गठन किसके लिए किया गया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के सुधार के लिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की सुदृढ़ता और इस क्षेत्र में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गठित यूके सिन्हा समिति का गठन किया गया था। यूके सिन्हा समिति ने अपनी रिपोर्ट 18 जून 2019 को RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंप दी। विभिन्न देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर प्रवाह की अंकटा की रिपोर्ट 2019 की। विभिन्न देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की वर्ष 2019 की रिपोर्ट 12 जून 2019 को जारी की गई।
रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष 12 जून 2018 को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वैश्विक अंतर प्रवाह में 13% की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में एफडीआई के अंतर प्रवाह सबसे अधिक अमेरिका में, यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई जो है अंतर प्रवाह कहां हुआ, अमेरिका में, दूसरे नंबर पर चीन में, तीसरा हांगकांग में, चौथा सिंगापुर, पांचवां नीदरलैंड, छठवां यूके, सातवां ब्राजील, आठवां ऑस्ट्रेलिया, नौवां स्पेन और दसवां भारत का स्थान। यानी कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार अंतर प्रवाह, एफडीआई के अंतर प्रवाह के मामले में भारत का 10वां स्थान है और पहला स्थान किसका है, अमेरिका का। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक बाह्य प्रवाह जापान में हुआ, ये दोनों ध्यान में रखना होगा, बाह्य प्रवाह सबसे अधिक कहां हुआ, जापान में, इसके बाद चीन का स्थान है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है 2019-20 में खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह बराबर पूछा करता है। वर्ष 2019 में खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, वर्ष 2019-20 की खरीफ उपजों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, जिसमें धान सामान्य किस्म की 1815 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। धान सामान्य किस्म की कीमत क्या रखी गई है, 1815 रुपए प्रति क्विंटल। और ये वेरी इंपॉर्टेंट में आप रखिएगा क्योंकि अक्सर पूछ लेता है, धान किस्म ए की, ए किस्म के धान की कीमत 1835 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है। ज्वार, संकर ज्वार की कीमत 2250 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है, जबकि बाजरे की कीमत 2000 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है। मक्के की जो कीमत है वह 1760 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है, अरहर की कीमत 5800 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है और मूंग की कीमत 7050 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है। तो ये नया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018-19 का जारी किया गया है, जिसमें धान की सामान्य किस्म के बारे में आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा। ये तो हमारा आर्थिक जो घटनाक्रम था उसकी चर्चा हो गई। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा नवीनतम सामान्य ज्ञान। नवीनतम सामान्य ज्ञान में हम कुछ नियुक्तियां, पुरस्कार या अन्य चीजों को लेकर आते हैं। तो देखते हैं कि इस जून के महीने में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। नियुक्तियों में पहली नियुक्ति जो है वो है अजीत डोभाल की नियुक्ति हुई है। तो अजीत डोभाल जो पहले हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे, उन्हें दोबारा, अजीत डोभाल को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु इस पद पर सरकार ने 3 जून 2019 को नियुक्त किया है। यानी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल, आप उनके नाम से परिचित होंगे। मृत्युंजय मोहपात्रा, ये दूसरा पॉइंट देखेगा, मृत्युंजय मोहपात्रा समुद्री तूफानों के संबंध में पूर्वानुमान लगाने तथा चेतावनियां जारी करने के विशेषज्ञ। मृत्युंजय मोहपात्रा को भारतीय मौसम विभाग का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी भारतीय मौसम विभाग के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन है, मृत्युंजय मोहपात्रा। के नटराजन, ये तीसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, के नटराजन 35 वर्षों से तटरक्षक बल की सेवा में लगे रहे कृष्ण स्वामी नटराजन को इस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी तटरक्षक बल के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं, कौन, के नटराजन। अगला जो पॉइंट है वो है सामंत गोयल, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सामंत गोयल को रिसर्च एवं एनालिसिस विंग यानी रा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो रा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, यह इसके जो नए निदेशक हैं वो हैं सामंत गोयल, पॉइंट ध्यान में रखना होगा। अरविंद कुमार, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अरविंद कुमार को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का नया प्रमुख बनाया गया है। तो आईबी के नए प्रमुख अब कौन हो चुके हैं, अरविंद कुमार। रा के नए प्रमुख कौन हो चुके हैं, सामंत गोयल। ओम बिरला, इनका तो नाम जानते ही होंगे, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। ओम बिरला ये राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और ओम बिरला जो है भाजपा के सांसद हैं। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 19 जून को इन्हें निर्विरोध रूप से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो ये कुछ नई नियुक्तियां हुई थी जो जून महीने में महत्वपूर्ण थी। अगला जो पॉइंट है वो है पुरस्कार को लेकर। तो पुरस्कार को लेकर जो पॉइंट है वो है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, यानी कि
इस पुरस्कार को जो जीतेगा भारत में, वही जो विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ष 2019 की 56वीं फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल दौर मुंबई में 15 जून 2019 को संपन्न हुआ। इसका खिताब राजस्थान की 20 वर्षीय सुमन राव, यानी कि भारत की नई मिस इंडिया कौन हो चुकी हैं, सुमन राव, जो कहां की रहने वाली हैं, राजस्थान की। अब ये 2019 का जो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड का जब चुनाव होगा तो मिस वर्ल्ड में ये भारत की भागीदारी करेंगी। मिस इंडिया चुनी गई सुमन राव वर्ष 2019 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला जो पॉइंट है वो निधन को लेकर है। गिरीश कर्नाड, जो कि जाने माने नाट्यकार, साहित्यकार, फिल्म निर्देशक हैं, गिरीश कर्नाड का 81 वर्ष की आयु में बंगलुरु में 10 जून 2019 को निधन हो गया। दूसरे हैं मोहम्मद मोरसी, मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी का 17 जून 2019 को एक अदालत में पेशी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तो ये दो महत्वपूर्ण निधन हुए थे जून के महीने में। अगला जो पॉइंट है वो है वर्ष दिवस सप्ताह, यानी कि जून के महीने जो महत्वपूर्ण जो दिवस मनाए जाते हैं उनको देखेंगे हम। 1 जून यह विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून जानते ही हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जून बाश्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दो पुस्तकें भी इसमें हमने ऐड किया है, अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी, अनिर्वाण गांगुली और शिवा द्विवेदी ने मिलकर के ये किताब लिखी है, अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है 5 मोमेंट ऑफ लिफ्ट, ये मिलिंडा गेट्स की बुक्स है, इसको पिछले भी महीने में हमने चर्चा किया था। और अगली जो पुस्तक है वह है सेलेस्टियल बॉडीज, ये जोखा लहर थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार भी दिया। बॉडीज है ये और सेलेस्टियल है, ये सेलेस्टियल बॉडीज जोखा लहर थी, जो कि ओमान की रहने वाली है, इन्हीं की पुस्तक को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है सेलेस्टियल बॉडीज को। कुछ अलग से अलग अलग खंडों से जो पॉइंट हैं उनको हमने एक नया टॉपिक बना करके विविध करके इसमें रखा है। तो देखते हैं विविध में हमने कुछ पॉइंट रखे हैं, क्या पॉइंट हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। मरुस्थलीकरण पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के 14वें सत्र यानी COP14 का आयोजन भारत में 2 से 13 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में होगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन है वह कहां संपन्न हुआ है, 2 से 13 सितंबर 2019 को कहां, नई दिल्ली में। भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान परियोजना के लिए कार्य प्रगति पर है, यह उड़ान दिसंबर 2021 में संभावित है। इस दिशा में काम आगे बढ़ाने के लिए एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना बंगलुरु में इसरो परिसर में ही की गई है। अगला जो पॉइंट है वह है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गोदावरी नदी पर, ये थोड़ा ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी पर विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय एवं बहुस्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना कलेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कलेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, कलेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन 21 जून 2019 को किया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना होगा कि कलेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है। अगला जो पॉइंट है वह है भारतीय एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में 26 फरवरी 2019 को की गई सर्जिकल स्ट्राइक को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था, ये कोड था ऑपरेशन बंदर के तहत ही पाकिस्तान में जो बालाकोट में भारतीय एयरफोर्स द्वारा 26 फरवरी को जो एक तरीके से ऑपरेशन किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन बंदर। तो ये कोड था ऑपरेशन बंदर, इसके लिए पाकिस्तान के बालाकोट में जो 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक किया गया था। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने 22 जून 2019 को विश्व कप के एक मैच में अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों को लगातार आउट कर विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले
दूसरे भारतीय खिलाड़ी हो गए हैं। इससे पूर्व चेतन शर्मा ने 1987 में विश्व कप में हैट्रिक बनाई थी। तो ये विश्व कप से महत्वपूर्ण ये खबर आई थी। अगला पॉइंट है, जून 2019 में बिहार में विशेष रूप से मुजफ्फरपुर जिले में फैले दिमागी बुखार, जिसे चमकी बुखार कहा गया था, जिसे AES यूथ इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से 150 बच्चों की से अधिक की मौत हो गई थी। ये चमकी बुखार काफी चर्चा में था, इसलिए ध्यान में रखिएगा कहाँ था, बिहार के विशेष रूप से मुजफ्फरपुर जिले में। तो बिहार में था, कई जिलों में था, इसलिए आप ऑप्शन में बिहार ही दिएगा। तो चमकी बुखार निम्नलिखित में से किस राज्य में जून में कहर बरपाई थी, तो उत्तर हो जाएगा बिहार। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बर्मिंगहम में जून 2019 में संपन्न बैठक में महिला क्रिकेट को 2022 में कॉमनवेल्थ बर्मिंगहम में, ये कॉमनवेल्थ गेम होगा, बर्मिंगहम कॉमनवेल्थ में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। और यदि इसे स्वीकार कर लिया जाएगा तो 2022 के बर्मिंगहम कॉमनवेल्थ गेम में महिला क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। फेसबुक अपनी डिजिटल करेंसी लिबा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, फेसबुक आप सब चलाते होंगे, जानते हैं, फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी लिबा का प्रारंभ करने जा रहा है। इसका डिजिटल वैलेट कैलिब्रा होगा। अगला पॉइंट है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में जनवरी फरवरी 2021 में आयोजित किया गया है। आईसीसी ने यह फैसला लिया है कि अब जो महिला विश्व कप होगा न्यूजीलैंड में होगा जनवरी फरवरी 2021 में। और ये हमारा टॉपिक होता है लास्ट टॉपिक खेलकूद से। भारत की ओर से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड अब सुनील छेत्री के नाम हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में भारत के लिए सर्वाधिक 68 गोल करने वाले फुटबॉलर सुनील छेत्री, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, सुनील छेत्री ने एक और रिकॉर्ड जून 2014 में अपने नाम किया। 5 जून 2019 को थाईलैंड में किंग्स कप टूर्नामेंट के एक मैच में खेलते हुए अपने कैरियर का 105वां अंतरराष्ट्रीय मैच उन्होंने खेला। और इस तरीके से भारत की ओर से सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले वो खिलाड़ी हो गए हैं। ये तो महत्वपूर्ण था ही। अगला जो पॉइंट है ये और भी महत्वपूर्ण है, वो है फ्रांसीसी ओपन। ये ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का दूसरा खिताब होता है, फ्रांसीसी ओपन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांसीसी ओपन 2019, वर्ष 2019 की 123वीं फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन पेरिस में रोला गैरा में 26 मई से 9 जून 2019 को आयोजित हुआ। क्ले कोर्ट पर खेले गए इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल रहे। ये महत्वपूर्ण है कि फ्रांसीसी ओपन का पुरुष एकल खिताब, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि फ्रांसीसी ओपन का पुरुष एकल विजेता कौन है, तो ये हैं राफेल नडाल। ये लाल बजरी के बादशाह भी माने जाते हैं, यानी लाल बजरी यानी क्ले कोर्ट पर खेले गए जितनी प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं उसमें ज्यादातर ये राफेल नडाल जीतने में सफल रहे हैं। ये उप विजेता डोमिगन थे, इनको पराजित किए थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। और महिला एकल विजेता कौन है, एस्ले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनका पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलिया का, एस्ले बार्टी का ये पहला ही ग्रैंड स्लैम है। एस्ले बार्टी ने फ्रांसीसी ओपन का महिला एकल खिताब जीता है। अब एस्ले बार्टी ही विश्व की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी भी हो गई हैं। जून 2019 में फ्रांसीसी ओपन व बर्मिंगहम क्लासिक टेनिस खिताब जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी महिला टेनिस एसोसिएशन यानी WTA रैंकिंग में नंबर एक पर आ गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, नंबर एक टेनिस खिलाड़ी अब कौन हो गई है, एस्ले बार्टी, इनका भी नाम याद रखना, एस्ले बार्टी अब विश्व की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी हो चुकी है। अगला पॉइंट है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सदस्य नरेंद्र बत्रा उन हस्तियों में शामिल हो चुके हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य जून 2019 में नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त होने वाले नरेंद्र बत्रा पहले भारतीय हैं, इसलिए
ये महत्वपूर्ण घटना है। तो मित्रों, ये जो है हमारा जून 2019 का करंट अफेयर्स रहा। हमने टॉपिक वाइज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, नवीनतम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत नियुक्तियां, पुरस्कार, निधन, जितने पॉइंट आपको दिए हैं, जैसा हम बराबर पॉइंट वाइज देते चले आ रहे हैं, टॉपिक वाइज देते चले आ रहे हैं, और आप एक बार दो बार ध्यान से उसको पढ़िएगा, समझिएगा और कोशिश करिएगा उसे कुछ चीजों को पॉइंट करके याद रखने की, जो चीज याद रखनी है उसको लिख करके याद करने की कोशिश करिएगा। और हमारा दावा है कि दो बार तीन बार यदि आपने उसको रिवाइज कर लिया तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी कोशिश है कि आपको अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जरूरत न पड़े, मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहीं से कर ले जाएं। थैंक यू।